नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। यह वो समय होता है जिसको आमतौर पर हम श्राद्धों के नाम से जानते हैं। इस समय हम लोग अपने बड़े बूढ़ों के लिए, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं और पंडितों को भोजन पे बुलाते हैं और उनको प्यार सहित भोजन कराते हैं। ये समय शरदीय नवरात्रों से 15 दिन पहले का होता है और इस समय, जैसा मैंने बताया, जो हमारे बुजुर्ग लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं, चले गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हर घर में बड़े प्यार से भोजन बनाया जाता है और पंडितों को कौवे को और कुत्ते को खिलाया जाता है। मान्यता ये है कि इस समय किया गया दान सीधा हमारे बुजुर्गों की, जो इस दुनिया में नहीं है, परलोक में है, उनकी भलाई के काम आता है। आज उस आत्मा की पुकार इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। आत्मा कहती है, आज ऊपर बैठी रूह ने बड़ा ठहाका लगाया है। देखो, आज मेरे बच्चों ने पंडित जी को बुलाया है। कितने जतन से पकवान बनाया है और बड़े ही आदर भाव से खिलाया है। जिनके लिए मुझे तरसाया था वही सब आज बनाया है। और तो और कौवे और कुत्ते को भी दावत में बुलाया है। बड़े ही प्यार से इनको भी खाना खिलाया है। जगह नहीं थी मेरे लिए घर में, वृद्धाश्रम में भगाया था। आज मेरे फोटो भगवान के साथ ही लगाया है। पैसा भी नहीं था मेरे लिए, पर आज पंडित जी को हरा नोट सरकाया है। देखो कैसे दिखावा कर रहे हैं, अपने आप से ही छलावा कर रहे हैं। ये सब मेरे सताने के डर से कर रहे हैं। अरे इन्हें इतना नहीं पता, क्या माँ बाप होते हैं कभी खफा। बस सभी बच्चों से इतनी सी गुजारिश है, मेरे साथ रहने वालों की भी सिफारिश है, मरने के बाद नहीं, माँ बाप का जीते जी करो सम्मान। नहीं चाहते हैं वो पैसा, ना चाहे वो पकवान। बस थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ी सी घर में जगा दो और रखो उनका दिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हर एक वीडियो का मजा लीजिए।